हाँ जी दोस्तों, स्वागत है तुहाड़ा सब दा अज दीआं नवीआं खबरां दे विच। आओ पंजाब दी एक होर नवीं खबर बारे गल करदे हां। चरणजीत सिंह चन्नी दे मुख्यमंत्री बनदे मगरों उह अपने कम्मां अते चंगे सुभाअ करके हमेशा ही चर्चा विच रहिंदे हन। अजिही ही एक घटना चंडीगढ़ दे विच होई जिथे मुख्यमंत्री साहब मौके ते जो कर गए वह देख के पुलिस वाले भी ताड़ियां मारन लग पे। चरणजीत सिंह चन्नी पहले मुख्यमंत्री हन जिन्हां ने इन्नी सादगी अते निमरता दिखाई नहीं तां हुण तक तां बाकी सारे मंत्री साढ़े ते राज ही करदे आए हन। जिनी निम्रता चन्नी जी ने दिखाई उन्नी तां शायद पिंड दा सरपंच भी नहीं दिखाउंदा। सरपंची जित के वह भी हउमे विच आ जांदा है, पर चरणजीत सिंह चन्नी ने ऐसा काम करके एक मिसाल पैदा कर दी ते कहा कि मुख्यमंत्री भी बिना होमे तो रह सकता है। आओ तुहानू वीडियो विच अगे दसदे हां कि चंडीगढ़ दे विच चरणजीत सिंह चन्नी जी दे नाल की होया। चंडीगढ़ विच मीटिंग करके जदों चरणजीत सिंह चन्नी वापस आ रहे सन तां उन्होंने चौंक ते ट्रैफिक पुलिस दे कोल इक बजुर्ग नूं खड़े देखिया। बजुर्ग की उम्र काफ़ी ज़्यादा लग रही सी अते उह हथ जोड़ के खड़ा सी। काफिला तेज होण दे कारण गड्डियां अगे चली गईयां, पर फिर उन्हां दे मन विच पता नहीं की आया ते उन्हां ने ड्राइवर नूं गड्डी मोड़न बारे कह दिता। प्रोटोकॉल नूं तोड़दे उह उत्थे पहुँच गए। मुख्यमंत्री नूं देख के पुलिस वाले हैरान हो गए। उन्होंने बजुर्ग नूं रुकण दा कारण पुछिया तां बजुर्ग ने चन्नी साहब नूं कहा कि इन्हां ने मेरी गड्डी दा चलान कट दिता है। मैं तो बस यही कह रहा कि मैनू जा लैण दो क्योंकि मैनू जल्दी है। पुलिस वाले ने कहा सर यह गल नहीं, ये गड्डी बहुत तेज चला रहे सी, असी तो सिर्फ ओवर स्पीड का ही चलान कटिया है। चन्नी साहब ने बजुर्ग नूं पुछिया तुहाडी उम्र किन्नी है अते इन्नी जल्दी विच तुसीं किधर जा रहे हो। बजुर्ग ने कहा साहब मेरी उम्र 82 साल की है, मेरे बच्चे का PGI दे विच कैंसर का इलाज चल रहा है, कई सालों तो उसनूं मैं ही लैके आउंदा हाँ ते मैं ही लैके जांदा हाँ, मेरी पत्नी भी चली गई है अते मेरे लड़के का भी कोई बच्चा नहीं है, मैं ही उसनूं संभालदा हाँ। मैं हस्पताल तो घर गया सी, कुछ रिपोर्टां घर भुल गया सी, हुण उही वापस लैके होस्पिटल जा रहा हाँ। इसलिए मैं उन्होंने कह रहा हूँ कि जल्दी मैनू जा लैण दो, चाहे मेरा चलान कट दवो। चन्नी साहब ये गल सुन के बहुत ज़्यादा भावुक हो गए कि इन्ना बजुर्ग इंसान अपने बच्चे की किन्नी कदर कर रहा है। उन्होंने पूछा कि तुहाडे लड़के की उम्र की है, बजुर्ग ने कहा 60 साल। चन्नी साहब ने कहा फिर तो वह भी बजुर्ग ही होए, तुसीं एक चंगे पिता हो अते एक नेक इंसान भी, इन्नी उम्र दे विच भी तुसीं अपने बच्चे की इन्नी चंगी तरह नाल देखरेख कर रहे हो, यह एक मिसाल है। तुसीं चंगे पिता नहीं बल्कि एक चंगे नागरिक होण दा भी फर्ज निभा रहे हो जो तुसीं पुलिस वाले नूं चलान कट्टण तों रोकिया नहीं। तुसीं इस तरह करो, तुसीं जाओ, तुहाडा चलान मैं भर देवांगा। चन्नी साहब के मुँहों इन्नी गल सुन के बजुर्ग रोण लग पिया अते चरणजीत सिंह चन्नी ने पुलिस वालियां नूं चलान कैंसल करन वास्ते बिल्कुल भी नहीं कहा ते उन्होंने अपनी जेब दे विचों पैसे कढ के उस वेले चलान भर दिता। यह देख के सारे पुलिस वाले भी ताड़ियां मारन लग पे अते उत्थे लोकां ने खलोत्यां ने नारे लगाउणे शुरू कर दिते कि साडा नेता कैसा हो, चरणजीत सिंह जैसा हो, इदां दे नारे लगण लग पे। चन्नी ने कहा कि पुलिस का फर्ज कानून की पालना करन दा ते ओह उन्होंने बाखूबी निभाया है अते मैं लोकां दा नुमाइंदा हाँ, नुमाइंदा होण दे नाते ओह कर रहा जो मेरा फर्ज बनता है। मैं पुलिस नूं उसके काम तो नहीं रोक सकता, पर अपने लोगों का खर्च जरूर चुक सकता हाँ। इस तों बाद चरणजीत सिंह चन्नी ने भावुक जिहे हो के बजुर्ग बापू नूं उत्थों तोर दिता ते कहा कि जाओ, अते उन्होंने अपना नंबर भी दिता कि जेकर बापू जी तुहानूं इलाज दे विच किसी भी तरह के नाल साडी जां फिर साडी सरकार की लोड़ पवे तो तुसीं साडे नाल कॉन्टैक्ट कर सकते हो, असीं हर तरह के नाल तुहाडी मदद करांगे क्योंकि तुहाडे वर्गे इंसानों की साडे पंजाब नूं बहुत ज़्यादा लोड़ है। वह बजुर्ग बापू भी जाता जाता भावुक हो गया तो चरणजीत सिंह चन्नी नूं गलवकड़ी पा गया। उस तों बाद चन्नी साहब भी उत्थों चले गए, पर यह वाकया जो होया वह हमेशा लई उत्थे खड़े लोगों के दिलों के अमर हो गया। पूरे पंजाब दे विच चरणजीत सिंह चन्नी की वाहवाही हो रही है कि चरणजीत सिंह चन्नी वर्गा मुख्यमंत्री साढ़े पंजाब नूं पहलां क्यों नहीं मिलिया, पर जेकर हुण मिलिया है तो सानूं आस है कि चरणजीत सिंह चन्नी साढ़े पंजाब वास्ते जरूर कुछ ना कुछ करनगे। अज जो वाकया चरणजीत सिंह चन्नी दे नाल होया, चरणजीत सिंह चन्नी ने जो किया, तुसीं सब उस मसले बारे की सोचते हो कमेंट करके जरूर दसना। नाल ही साढ़े चैनल तो आने वाली होर नवी तो नवी वीडियोज़ देखने लिए साढ़े चैनल सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद जी।